सैन्य केंद्र सोलन में भारतीय सेना की पाइन विजन के जीओसी द्वारा पूर्व सैनिकों के लिए एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। रैली का शुभारंभ 9 इन्फेंट्री डिवीजन के मेजर जनरल अतुल्य सोलंकी ने रिबन काटकर किया। रैली में उपायुक्त सोलन विनोद कुमार विशेष रूप से मौजूद रहे। रैली में 1225 पूर्व सैनिकों, वीर नारियों तथा सैनिक विधवाओं, पूर्व सैन्य अधिकारियों, सैनिकों के साथ साथ सेवारत सैन्य अधिकारियों, कर्मचारियों तथा जिला प्रशासन के अधिकारियों ने भाग लिया। रैली का मुख्य उद्देश्य पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों की विभिन्न समस्याओं को हल करना था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न स्टॉल स्थापित किए गए थे। पूर्व सैनिकों की पेंशन संबंधी विसंगतियों को दूर करने के लिए सेना अभिलेख कार्यालय के 6 स्टॉल स्थापित किए गए थे। इस अवसर पर विभिन्न युद्धों में घायल हुए दिव्यांग सैनिकों को 3 मॉडिफाइड ऑटो स्कूटर, 2 व्हील चेयर तथा अन्य सहायता प्रदान की गई। 35 वीर नारियों तथा 94 सैनिक विधवाओं को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप खन्ना ने कहा कि पूर्व सैनिकों की विभिन्न समस्याओं को समय पर सुलझाना भारतीय सेना की प्रतिबद्धता है। केंद्र तथा राज्य सरकारों के सहयोग से इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। उन्होंने रैली को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा दिए गए सहयोग के लिए आभार प्रकट किया। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि हमारे जो रिटायर्ड जवान, जेसीओस वगैरह सब हैं, उनको गांव में आधी चीजें पता नहीं लगती। वो गांव में चले जाते हैं, फिर काफी चीजें उनकी रह जाती हैं। और आज मेरा ख्याल जो सब चीजें जो उनके हक हैं, जो उनको मिल सकता है, उनके लिए वेलफेयर के लिए क्या हो सकता है वेलफेयर के लिए, वो आज बहुत ही बढ़िया तरीके से इन सबको बताया गया है। तो हमें बहुत खुशी है कि इतनी अच्छी रैली हुई है। और मैं ये चाहूंगा कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट में नहीं तो 2-3 डिस्ट्रिक्ट को मिला के ये रैलीज हों, तो हमारे जो रिटायर्ड ऑफिसर जेसीओज और स्पेशली हैं, उनको बहुत फायदा होगा। इस जून से पहले पहले सब चीजें सेटल कर दें, ये है। और जो ये अगर जिसकी प्रॉब्लम चलती रहती है, जो जैसे बताया साहब ने, अगर इन लोगों को जाके मिले तो सब प्रॉब्लम ठीक करा देंगे।